नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो राजनीतिक नहीं है और इतना विशेष टॉपिक भी नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है नेपाल की ट्विन गर्ल जो है प्रिंसी परिजमा, उनका कंपेयर करेंगे भारत की कुछ एक्टर्स जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं उन एक्टर्स के साथ में, ये नेपाली टिकटॉक जो दो लड़कियां हैं इनका कंपेयर करेंगे और डिसाइड आप ही को करना होगा कि इनमें ज़्यादा खूबसूरत कौन है, क्योंकि हम आपको केवल फोटो दिखाएंगे और उन फोटो को देख के आपको डिसाइड करना है कि इनमें ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है। देखिए, मेरा मानना है कि इन दो लड़कियों को जो ट्विन गर्ल है नेपाल की, इनको फिल्मों में काम मिलना चाहिए और बॉलीवुड में भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ये लड़कियां अपना कमाल दिखा सकती है। आप पहले इन फोटो को देखिए, ठीक है, और खुद ही बताइए कि इनमें ज़्यादा खूबसूरत कौन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो दो लड़कियां हैं ये किसी भी मामले में भारत की खूबसूरत अभिनेत्रियों से कम नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वो आप जानिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये दोनों प्रिंसी परिजमा जो लड़कियां हैं नेपाल की ट्विन गर्ल, ये किसी भी मामले में भारत की ऐश्वर्या राय हो, चाहे करिश्मा कपूर हो, करीना कपूर हो या कोई भी हो, इनसे किसी भी मामले में, खूबसूरती के मामले में कम नहीं है। आप खुद इन फोटो को देखिए और कंपेयर कीजिए, आपको कहीं पर नहीं लगेगा कि ये दोनों लड़कियां जो नेपाल की हैं ये किसी भी मामले में खूबसूरती के लिहाज से भारत की किसी भी एक्टर से कम हो। और आप खुद सोचिए, ये दो एक्टर, ये दो लड़कियां या इनमें कोई भी एक लड़की यदि बॉलीवुड फिल्मों में जाती है बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में, तो वो फिल्म निश्चित तौर पर चलेगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि इन लड़कियों की खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसी भी भारतीय एक्टर्स से कम नहीं है। और आपको पता होगा कि ये प्रिंसी परिजमा जो लड़कियां हैं इनके टिकटॉक पर करोड़ों लोगों ने इनको देखा है, ठीक है, भारत में भी करोड़ों लोगों ने इनको देखा है और इनकी वीडियो की कॉपी कर करके, जो इन्होंने हिंदी भाषा में टिकटॉक बनाए हैं उनकी कॉपी कर करके भारतीय यूट्यूबरों ने भी खूब पैसे कमाए हैं। कह सकते हैं कि भारत के लोग भी प्रिंसी परिजमा को अच्छे से पहचानते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा, या 30 या 40 या 50 करोड़ के लगभग, इतने लोगों ने, इतने युवकों ने इस जो दो लड़कियां हैं इनको ज़रूर देखा होगा जब ये हिंदी गाने में टिकटॉक वीडियो बनाती हैं। अब यदि ये हिंदी फिल्म ले आती है या भारत का कोई डायरेक्टर इन लड़कियों को लेके कोई फिल्म बनाता है तो वो निश्चित तौर पर भारत में चलेगी और करोड़ों लोग उसको देखेंगे, क्योंकि ये एकदम नया चेहरा है। मनीषा कोइराला जो है वो बहुत पॉपुलर हुई थी इंडिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत फिल्में बनाई, तो अगर ये दोनों भी आ जाती हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में तो इनकी भी फिल्में चलेंगी, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में काम मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों, यदि ये फिल्में बना लेती हैं तो वो फिल्में फिल्म हॉल में जरूर चलेगी, ठीक है। उसके बाद आप सोचिए कि जब वो फिल्में यूट्यूब पर आएगी तो वो फिल्म कैसे चलेगी यूट्यूब पे, एक तो हुआ हॉल में चलना, एक हुआ यूट्यूब पे चलना, तो यूट्यूब पे कैसे चलेगी आप ये जानिए। देखिए, जब ये दोनों लड़कियों को लेके कोई हिंदी फिल्म बनती है या बनेगी तो उसके बाद वो सीधे यूट्यूब पर लोड होगी और उसको सबसे पहले नेपाल की तरफ से क्लिक थ्रू रेट उसका बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों, ये यूट्यूब की भाषा है, शायद आप लोगों को समझ में कम आए, ठीक है, चलिए साधारण भाषा में आपको समझाते हैं। जब ये दोनों लड़कियों की कोई हिंदी फिल्म बन जाएगी, मतलब मेरे मानना है, हम एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही YouTube पर इसकी फिल्में, इन दोनों लड़कियों में से किसी की भी एक फिल्में YouTube पर लोड होगी तो उसको सबसे पहले क्लिक थ्रो रेट उसको 3 करोड़ 2.5 करोड़ मिलेगा नेपालियों की तरफ से। और दोस्तों, 2.5 करोड़ 3 करोड़ क्लिक इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर किसी वीडियो पे 2.5 करोड़ 3 करोड़ क्लिक हो गए तो वो वीडियो अरब में पहुंच जाती है, सीधे बिलियन में पहुंच जाती है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि
इस लड़कियों की फिल्में आएंगी तो नेपाली लोग उस फिल्म को जरूर देखेंगे, ठीक है। उसका ऑडियंस रिटेंशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए यूट्यूब की तरफ से उस वीडियो को सजेस्ट किया जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म है। देखिए, कोई भी वीडियो तब वायरल होती है जब YouTube उसे रिकमेंड करता है या ब्राउजर फीचर में डालता है। और YouTube ब्राउजर फीचर में कब डालता है? जब क्लिक थ्रो रेट और ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होता है। तो हमें लगता है कि यदि ये लड़कियां फिल्में बनाएंगी तो भारत के फिल्म हॉल में भी चलेगी और YouTube मीडिया में भी खूब चलेगी, दबा के चलेगी। भारत में लाखों करोड़ों लोग जो लड़के हैं वो प्रिंसी परिजमा को अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा में टिकटॉक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि इनको भी एक मौका मिलना चाहिए। पहले भले ही नेपाली फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ से मिले, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ से यदि इनको मौका मिलता है तो ये तरक्की कर जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है वो कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने कहा कि खूबसूरती के लिहाज से ये जो लड़कियां हैं ये कहीं पर भी थोड़ा भी कम नहीं है भारत की जो खूबसूरत एक्टर्स हैं उनके सामने। हम आपको फोटो दिखा ही रहे हैं, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये लड़कियां खूबसूरत हैं कि नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये लड़कियां अच्छी खूबसूरत हैं और बढ़िया एक्टिंग कर सकती है फिल्मों में। देखिए दोस्तों, खूबसूरत चेहरे पे बहुत सारी फिल्में चली हैं और चलती भी हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो केवल खूबसूरत लड़कियों के चेहरे पर ही चलती हैं, इसलिए ये लड़कियां अपना कमाल दिखा सकती है और करोड़ों अरबों लोगों तक अपनी प्रतिभा दिखा सकती है यदि इनको मौका मिले तो, ऐसा मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।